हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेजर। द टॉपिक इज फॉरेन की। इस वीडियो में हम फॉरेन की के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने फॉरेन की के बारे में डिस्कस किया था और उसको मैंने रखा था फॉरेन की पार्ट वन। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था एक्चुअल में व्हाट इज अ फॉरेन की एंड व्हाट इज द सीक्वल कमांड फॉर मेकिंग अ फॉरेन की। मतलब आप एक टेबल में फॉरेन की को कैसे बनाते हो, ड्यूरिंग द टेबल क्रिएशन, आफ्टर द टेबल क्रिएशन। लेकिन फॉरेन की का एक्चुअल में फंडा क्या है, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन की, वो हम फॉरेन की इसको मैंने पार्ट टू दिया। बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉरेन की को। हमने वहां पे मेंशन किया था कि इट मेंटेन्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। फॉरेन की मेंटेन्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये लाइन आप हमेशा याद रखना बिकॉज किसी भी इंटरव्यू, किसी भी आपको एग्जाम में, चाहे गेट का, यूजीसी नेट, आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। लोगों को फॉरेन की के बारे में पता होता है लेकिन एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो नहीं पता होता। तो इस वीडियो में मैं वो कॉन्सेप्ट को ही एक्चुअल में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती कैसे, क्या है, और फॉरेन की कैसे उसको मेंटेन रखती है। तो पहले हम बात करते हैं इंटीग्रिटी क्या है। इंटीग्रिटी मतलब एक वैल्यू, सेम वैल्यू फॉर द डेटाबेस। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आप एक मोबाइल परचेज करते हो तो मोबाइल परचेज करने से पहले क्या करते हैं हम, या तो हम ऑनलाइन प्राइस चेक करते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट पे चेक किया, अमेजोन पे चेक किया, और या फिर हम क्या कर सकते हैं मैनुअली, मतलब मैं मार्केट में जाके किसी पर्टिकुलर शॉप पे या शोरूम पे जाके प्राइस पूछता हूं। क्या उन सब की सब जगह पे प्राइस एक होता है या अलग होता है? आपको वहां पे सब जगह पे प्राइसेस कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेंगे। That is what not a integrity means, उस केस में इंटीग्रिटी नहीं है। वो क्यों नहीं है? बिकॉज फ्लिपकार्ट अमेजोन का अपना मार्जिन है, मैनुअल अगर आप किसी शोरूम में जाते हो उनका अपना मार्जिन है, दैट इज डिफरेंट मैटर। बट आप उससे एक अंदाजा लगा सकते हो कि फॉरेन की वहां पे, फॉरेन की का तो चलो कॉन्सेप्ट बाद में आता है, आप वहां से ये अंदाजा लगा सकते हो कि वहां पे इंटीग्रिटी की कमी है। लेकिन अगर हम यही केस यूनिवर्सिटी का लेके चलें, किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर मैं कह रहा हूं कि देयर इज अ स्टूडेंट हुज नेम इज राम एंड राम बिलोंग्स टू सीएससी स्टूडेंट, देयर इज सम रोल नंबर, सम रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ राम एंड आई एम सेइंग ही बिलोंग्स टू सीएससी, तो अगर किसी भी फैकल्टी से मैं पूछूं, ऑनलाइन चेक करूं या ऑफलाइन चेक करूं, प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक करूं, चाहे मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जाके पूछूं, चाहे मैं लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में जाके पूछूं, कहीं पे भी मैं अगर चेक करूं तो वो राम जो है सीएससी से ही बिलोंग करना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्लेसमेंट वाले कह रहे हैं कि यार राम तो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन नंबर की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे इंटीग्रिटी जो है वो लॉस हो जाएगी। तो इस केस में इंटीग्रिटी लॉस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मोबाइल वाले केस में तो कोई बात नहीं बिकॉज सारों का अपना अपना डेटाबेस है, अमेजोन का अपना डेटाबेस है, फ्लिपकार्ट का अपना डेटाबेस, किसी लोकल शोरूम का अपना डेटाबेस, तो उस केस में वो डेटा आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो उस केस में सबका अपना अपना मार्जिन है, अपने अकॉर्डिंग वो प्राइस रख के बैठे हैं, जो भी मोबाइल फोन की आप बात कर रहे हो। तो हम उस केस को ना डिस्कस करते हुए हम यूनिवर्सिटी या उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं जहां पे डेटाबेस आपस में कनेक्टेड है। तो एक डेटाबेस में वैल्यू जो है वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, अलग अलग वैल्यूज नहीं होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। तो यहां पे अगर हम बात करें, एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल को मैंने यहाँ पे बेस टेबल लिया हुआ है, या इसको हम बोल सकते हैं रेफरेंस्ड टेबल। रेफरेंस्ड टेबल मतलब जहां पे हमारी प्राइमरी की होती है, ये मैंने पार्ट वन में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास प्राइमरी की है और इस टेबल में मेरे पास फॉरेन की है, इस टेबल को हम बोलते हैं रेफरेंसिंग टेबल। पहले तो आप टेबल का फंडा समझो कि इस टेबल से हमें क्या, एक्चुअल में ये टेबल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये टेबल स्टूडेंट का टेबल है, ये बता रहा है कि किसी यूनिवर्सिटी में सारे के सारे स्टूडेंट्स की डिटेल, मतलब स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एड्रेस, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन है और ये बेस टेबल है। और यहाँ पे मैंने प्राइमरी की लिए हुआ है रोल नंबर को। यहाँ पे एक और टेबल है कोर्स, कोर्स टेबल मेरे को बता रहा है कि यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनके क्या नेम्स हैं और कौन सा रोल नंबर उस कोर्स को स्टडी कर रहा है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रोल नंबर को कॉमन रख दिया दोनों टेबल्स के बीच में, ताकि मेरे को पता लग जाए कि कौन सा स्टूडेंट, लेट्स से रोल नंबर वन C1 कोर्स पढ़ रहा है जिसका नाम है DBMS, रोल नंबर टू C2 कोर्स पढ़ रहा है जिसका नाम है नेटवर्क्स। तो ये टेबल मेरे को
ये वैल्यू इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहा है। यहाँ पे मैंने रोल नंबर को फॉरन की लिया हुआ है जो रेफरेंस ले रही है इस प्राइमरी की से। ये चीज मैंने ऑलरेडी पार्ट वन में मेंशन की हुई है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की, मतलब अगर ये वाला मेरा टेबल है रेफरेंस्ड टेबल, पहले हम बात करते हैं रेफरेंस्ड टेबल की। तो रेफरेंस्ड टेबल में अगर मैं, हम दोनों टेबल्स की बात करेंगे, पहले रेफरेंस्ड की फिर रेफरेंसिंग की, रेफरेंसिंग टेबल की, दोनों टेबल्स की बात करेंगे। और दोनों टेबल्स में हम चेक करेंगे इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन। मतलब अगर मैं रेफरेंस्ड टेबल में कुछ इंसर्ट करता हूं, थोड़ा यहां पे ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट जो है फॉरेन की के बारे में तो बहुत लोगों को पता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत जगह फायदा देगा। अगर मैं रेफरेंस्ड टेबल मतलब बेस टेबल की बात कर रहा हूं, इस बेस टेबल में अगर मैं कुछ इंसर्ट कर रहा हूं, मतलब लेट से एक नया स्टूडेंट आया, उसका नेम है लेट से डी और उसका रोल नंबर है 4 और वो बिलोंग करता है लेट से चंडीगढ़ से, तो मैं इस टेबल में कोई नई रो को इंसर्ट कर सकता हूं या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी? आप खुद चेक कर लो, यहां पे कितनी मर्जी एंट्रीज कर दो आप, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, बिकॉज ये बेस टेबल है। बेस टेबल में आप जितना मर्जी इंसर्ट कर दो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस केस में वी कैन से नो वायलेशन, कोई वायलेशन नहीं है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल, जितना मर्जी आप इंसर्ट करते जाओ। लेकिन अगर हम बात करें अब दूसरा ऑपरेशन जो है मेरा, लेट से मैंने डिलीट करना है, डिलीट मतलब इस टेबल से मुझे कुछ डिलीट करना है। लेट से कि अगर मेरे को ये वाला डेटा डिलीट करना है कि कोई स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी या कॉलेज में था, अब वो छोड़ के चला गया, तो मैंने उस डेटा को यहां से डिलीट कर दिया। क्या मैं डायरेक्टली डिलीट कर सकता हूं या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? इस केस को ध्यान से देखना, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। रीजन बीइंग इज, हो सकता है कि वो रोल नंबर 1 कोई ना कोई कोर्स को पढ़ रहा हो, तो यस, रोल नंबर 1 की एंट्री इस टेबल में भी है, इस टेबल में। तो अगर मैं यहां से इस वैल्यू को डिलीट करता हूं, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि रोल नंबर 1 यूनिवर्सिटी या कॉलेज को छोड़ गया। लेकिन ये टेबल क्या बता रहा है कि रोल नंबर 1 डीबीएमएस पढ़ रहा है, तो ये तो इंटीग्रिटी लॉस होगी। एक स्टूडेंट, एक बंदा कह रहा है कि यूनिवर्सिटी से वो चला गया और एक टेबल बता रहा है कि वो तो डीबीएमएस पढ़ रहा है, तो यानी इस केस में वॉयलेशन हो सकती है। तो यानी डिलीशन मे कॉज वॉयलेशन। मैंने यहां पे मे क्यों लगाया? बिकॉज अगर मैं यहां से 4 को डिलीट करता हूं, 4 को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बिकॉज 4 ने अभी एडमिशन लिया था, लेकिन उसको हमने कोई कोर्स अभी नहीं दिया। अगर उस स्टूडेंट को मैंने यहां पे कोर्स नहीं दिया तो उसको डिलीट कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिलीशन मे कॉज प्रॉब्लम। तो डिलीशन को आप बड़ा ही ध्यान से रखना, यहां पे डिलीशन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसका कोई सोल्यूशन है? यस, सोल्यूशन भी है। अगर मैं ऑटोमेटिक चाहता हूं, या तो एक मैनुअल सोल्यूशन है कि इस टेबल से डेटा डिलीट करो, फिर इस टेबल से भी डेटा को डिलीट करो, लेकिन ऑटोमेटिक सोल्यूशन भी है इसका, वो क्या है? ऑन डिलीट कास्केड का मतलब क्या है कि जब हम इस टेबल से डेटा को डिलीट करेंगे, तो जितने भी टेबल्स हैं जो बेस टेबल से रेफरेंस ले रही हैं, उन सारे टेबल्स में से ऑटोमेटिकली वो वाली रो डिलीट हो जाएगी। मतलब जब हम रोल नंबर 1 को यहां से हटाएंगे, तो इस टेबल में से भी रोल नंबर 1 की रो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। ये है पहला सॉल्यूशन कि हम ऑन डिलीट कास्केड जो है वो यूज कर सकते हैं एज ए पार्ट ऑफ सिंटेक्स। सिंटेक्स में हम इसको यूज कर सकते हैं जब हम इस टेबल में जब हम फॉरेन की को लगा रहे हैं, इस टेबल में प्राइमरी की और इस टेबल में फॉरेन की को लगा रहे हैं, उस टाइम पे हम साथ में ऑन डिलीट कास्केड को यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन है ऑन डिलीट सेट नल का मतलब क्या है कि अगर मैं इस टेबल से डेटा को डिलीट करूं, लेट से मैंने रोल नंबर 1 को डिलीट किया, तो यहां पे इस जगह पे मैं नल पुट कर दूं, नल मतलब खाली छोड़ दूं,
खाली कर दो, जितनी भी डेटा है, जैसे यहां से रोल नंबर वन को हटाया बेस टेबल से, तो जितने भी टेबल्स हैं जहां जहां पे भी रोल नंबर की जगह वन लिखा हुआ है वहां पे क्या हो जाएगा, नल सेट, क्या हो जाएगा, नल, नल सेट हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगी वो जगह। तो उससे क्या है, मेरे को ये वाला डेटा डिलीट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी आपको एक थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि किसी टेबल में अगर कोई फॉरेन की है वो उस टेबल की प्राइमरी की भी हो सकती है। इस टेबल में फॉरेन की कौन सी है, रोल नंबर, लेकिन इस टेबल में अभी मैंने प्राइमरी की तो बात ही नहीं की। हो सकता है कि इस टेबल में या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो फॉरेन की ही एक्ट कर रही है एज ए प्राइमरी की। अगर ऐसा केस हो गया उस केस में आप यहां पे नल नहीं रख सकते, बिकॉज प्राइमरी की कैन नॉट बी अ नल। मतलब ये अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, आपको अगर पूछ लें इन केस कि क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, तो इसके बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि डिलीशन कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है या नहीं, इंसर्शन कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है नहीं, तो साथ में ऑटोमेटिक सॉल्यूशंस हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हो। द बेस्ट केस इज ऑन डिलीट कास्केड, दूसरा केस है ऑन डिलीट सेट नल, बाकी सारी जगह पे नल पुट कर दो, या फिर सिंपल सा केस है ऑन डिलीट नो एक्शन, ये तो बाय डिफॉल्ट है ही ऑन डिलीट नो एक्शन। मतलब जब मैं इस टेबल से डेटा को डिलीट करूं तो कोई एक्शन ही परफॉर्म ना हो, एक्शन मतलब ये डेटा डिलीट ही ना हो, वो एरर दिखाएगा, बाय डिफॉल्ट वो एरर दिखाएगा क्योंकि एक रोल नंबर किसी और टेबल में रेफरेंस ले रहा है। तो अगर एक रोल नंबर किसी और टेबल में रेफरेंस ले रहा है तो यानी उस डेटा को मैं डिलीट ना कर पाऊं, तो पहले मुझे यहां से डिलीट करना पड़ेगा, फिर मेरे को यहां से डिलीट करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ द डिलीशन इज परफॉर्म्ड इन द रेफरेंस्ड टेबल। और तीसरा ऑपरेशन है मेरा यहां पे, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं अपडेशन। अपडेशन अपडेशन मतलब मुझे कुछ डेटा में चेंज करना है। लेट्स से रोल नंबर वन है उसको मैंने अब 10 कर दिया, या रोल नंबर मैंने चेंज कर दिया, तो क्या मैं चेंज डायरेक्ट कर सकता हूं बेस टेबल में या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बिकॉज लेट से मैंने यहां पे रोल नंबर वन था, या रोल नंबर टू को ले लेते हैं, रोल नंबर टू था उसको मैंने चेंज करके उसका रोल नंबर 20 कर दिया, यहां पे रोल नंबर 20 हो गया, लेकिन यहां पे जो रोल नंबर टू था वो तो टू का टू ही है, ये तो इनकंसिस्टेंसी होगी, यानी ये टू तो कहीं पे अब है ही नहीं, ये टू तो अब डिल, मतलब ये टू तो कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता इस टेबल में, तो बेस टेबल में तो कहीं पे टू है ही नहीं, तो रेफरेंसिंग टेबल में टू कहां से आ गया? तो इसीलिए जब भी आप अपडेट कर रहे हो किसी बेस टेबल में तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो अपडेशन के केस में भी आपको ध्यान रखना कि वॉयलेशन क्रिएट हो सकती है, या तो वही सेम आप कर सकते हो ऑन अपडेट कास्केड, ऑन अपडेट सेट नल, ऑन अपडेट नो एक्शन, सेम चीज आप यहां पे भी परफॉर्म कर सकते हो, सो इट मे कॉज वायलेशन, इट मे कॉज वायलेशन। या तो आप इसमें चेंज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप ऑन अपडेट कास्केड लगा के उसमें भी चेंज कर दो, अदरवाइज परफॉर्म ही ना करो अपडेट। तो इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कैसे हम इंसर्ट, डिलीट या अपडेट कर सकते हैं रेफरेंस्ड टेबल में। अब हम बात कर रहे हैं रेफरेंसिंग टेबल की, रेफरेंसिंग टेबल मतलब इस टेबल की, इस टेबल में अब सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लेट्स से पहला है इंसर्शन, इंसर्शन मतलब क्या मैं इस टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकता हूं विदाउट एनी प्रॉब्लम? इस टेबल में कोई डेटा इंसर्ट कर सकता हूं विदाउट एनी प्रॉब्लम? नो। व्हाई? लेट्स से आप एक नया डेटा इंसर्ट कर रहे हो C3 and the course is, let's say C3, the course name is C++ and roll number is let's say 7। मतलब आप क्या लिखना चाह रहे हो कि एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 7, वो C++ पढ़ रहा है, लेकिन ध्यान से क्या 7 रोल नंबर बेस टेबल में है? नहीं, बेस टेबल में 7 है नहीं। How you can add a roll number? मतलब किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया नहीं तो हमने उसको कोर्स कैसे दे दिया? इसकी बात तो यही बनी ना, स्टूडेंट ने एडमिशन लिया नहीं, अगर उसने एडमिशन लिया होता तो उसका डेटा डेफिनेटली इस टेबल में होता। अगर उसका डेटा इस टेबल में है
तब भी उसका डेटा हम इस टेबल में ला सकते हैं, अदरवाइज उसका डेटा इस टेबल में नहीं आ सकता। तो इसीलिए हम यहां पे इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इंसर्ट मे कॉज वॉयलेशन, इंसर्ट जो है वो वॉयलेशन क्रिएट कर सकता है। मे है, मे मतलब क्यों, क्योंकि हर एक केस में नहीं हो सकता। अगर मैं यहां पे दो को दोबारा एंटर करूं, दो या तीन वैल्यू को जो इस टेबल में है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दैट्स व्हाई आई हैव रिटन मे कॉज वॉयलेशन। दूसरा क्या है, डिलीशन। इस टेबल से कुछ डिलीट करना है, लेट्स से रोल नंबर वन का डेटा मुझे यहां से डिलीट करना है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब क्या है, रोल नंबर वन डीबीएमएस पढ़ रहा था, अब नहीं पढ़ रहा, तो नहीं पढ़ रहा तो उसका डेटा डिलीट कर दो। इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्या इस टेबल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी? नहीं होगी। सो डिलीशन विल नॉट कॉज एनी वायलेशन, कोई वायलेशन नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल प्रॉब्लम डिलीशन कैन कॉज। थर्ड इज सेम अपडेशन, अपडेशन। क्या मैं इस टेबल में कुछ अपडेट कर सकता हूं? हाँ, अगर आप C1 कोर्स आईडी को अपडेट कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप कोर्स नेम को अपडेट कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपने इस टेबल में रोल नंबर को अपडेट कर दिया, आपने रोल नंबर को कर दिया यहाँ पे 20 और इस टेबल में रोल नंबर कितना है 2, तो ये तो गलत हो गया। आप कह रहे हो कि 2 रोल नंबर है, मुंबई से है वो, उसका नेम है B, और ये कह रहा है कि यहाँ पे तो कोई 2 टा नहीं है, यहाँ पे तो 20 है, तो सारा वैल्यू चेंज हो गया, सारा डेटा की वैल्यू चेंज होगी। सो अपडेशन भी मे कॉज वायलेशन, तो अपडेशन को भी आप परफॉर्म ना करो। तो SQL जो है बाय डिफॉल्ट, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, ओरेकल पे, SQL सर्वर पे, वो बाय डिफॉल्ट आपको एरर ही दिखाएगा। अगर आप इंसर्ट कर रहे हो कोई एरर नहीं दिखाएगा, अगर आप डिलीट कर रहे हो वो एरर दिखाएगा, वार्निंग देगा कि आप डिलीट मत करो क्योंकि इस टेबल में वो डेटा एग्जिस्ट करता है। और सेम इस केस में रेफरेंसिंग में भी वो इंसर्ट के केस में आपको एरर दिखाएगा और डिलीट के केस में कोई एरर नहीं दिखाएगा। सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी बार आता है एग्जाम्स में कि बताओ इंसर्शन जो है रेफरेंस्ड टेबल में प्रॉब्लम क्रिएट करता है या नहीं, या डिलीशन जो है रेफरेंसिंग टेबल में प्रॉब्लम क्रिएट करता है या नहीं। तो इस चीज़ में आप बिल्कुल यहाँ पे सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है मैंने बता दिया। ऐसा भी हो सकता है कि एक टेबल से दो लोग भी रेफरेंस ले सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे एक और टेबल है उस टेबल में भी फॉरेन की है और वो यहाँ से रेफरेंस ले रही है, तो सेम उनके लिए भी लागू होगा क्योंकि टाइप तो दो ही है ना, या तो वो बेस टेबल है या वो रेफरेंसिंग टेबल है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट हाउ फॉरेन की मेंटेन्स द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फॉर इंसर्शन डिलीशन एंड अपडेशन। और इस वीडियो को आप एक्चुअल में अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करना और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।